मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत कुमार एजुकेशन सर्विस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। बात करते हैं एक्रूड इनकम की। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, एक्रूड इनकम होता क्या है? तो एक्रूड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो कमा तो ली है पर अभी तक रिसीव नहीं हुई है। मतलब कमा ली है और रिसीव नहीं हुई है। कमा ली है तो आप इसके मालिक हुए, मतलब ये आपकी असेट्स कहलाएगी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री, अगर ये असेट्स है तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री रहेगी। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। एक्रूड इनकम क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि एक्रूड इनकम ये क्या है, आपकी असेट्स है और असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप लोग देख पा रहे हो, जैसा कि एडजस्टमेंट में आप लोगों के पास दिया गया है इंटरेस्ट अर्नड व्हाट नॉट रिसीव्ड। ये आप लोगों की एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट अर्न तो कर ली है पर अभी तक रिसीव ही नहीं हुई है। अब अर्न कर ली है मतलब कमा ली है और रिसीव नहीं हुई है 140, तो आपकी इनकम हुई। और असेट्स हुई, असेट्स क्यों हुई? क्योंकि आप कमा चुके हो पर अभी तक रिसीव नहीं हुई। रिसीव होगी, कभी ना कभी तो रिसीव होगी और एक साल के टाइम पीरियड में ही रिसीव होगी। तो आप क्या कर लोगे, इसको प्रॉफिट एंड, इसकी दो जगह ट्रीटमेंट होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोग देख रहे हो, मैंने यहाँ पर तैयार किया हुआ है। तो इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट 600, ये आपके पास पहले से ही दिया हुआ था ट्रायल बैलेंस में। और जो आपके पास एडजस्टमेंट में दिया हुआ है इंटरेस्ट अर्नड व्हाट नॉट रिसीव्ड, तो एक्रूड इंटरेस्ट इसको बोलते हैं। तो एक्रूड इंटरेस्ट को क्या कर दोगे आप लोग, ऐड कर दोगे। आप लोग देख पा रहे हो 140 मैंने ऐड कर दिया, तो टोटल आपका इंटरेस्ट कितना बना, 740 रुपये बन गया। मतलब टोटल इनकम आपकी 740 रुपये बन गई। अब इसकी ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में कैसे पड़ेगा आप लोग देख पा रहे हो। तो मैंने आप लोगों को बोला कि एक्रूड इनकम आप लोगों की असेट्स होती है, तो असेट्स है तो असेट्स साइड में आप क्या कर दोगे, एक्रूड इनकम को डिनोट कर दो। जैसे मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ एक्रूड इनकम है हमारे पास 140। तो ये आप लोगों का एक्रूड इनकम का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को अनअर्नड इनकम भी कहा जाता है। अनअर्नड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो अर्न नहीं की है बट रिसीव कर ली है। अब अर्न नहीं की है, रिसीव कर ली है, जैसे मैं कोई वर्क कर रहा हूँ उसके लिए मैंने क्या कर दिया, इनकम रिसीव पहले ही कर दिया। अभी मैंने वर्क किया भी नहीं, उसके लिए मैंने इनकम पहले ही रिसीव कर ली, मतलब मैंने एडवांस में ही रिसीव कर लिया। अब एडवांस में कोई इनकम मैं रिसीव करता हूँ तो मेरे लिए लायबिलिटी कहलाएगी, वैसे ही बिजनेसमैन के लिए लायबिलिटी होगी अगर एडवांस में ही कोई पैसा रिसीव कर लिया। तो अगर लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्या कहलाएगा, क्रेडिट कहलाता है। तो इसी तरह से इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। अब आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट दी हुई है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹200। आप लोगों को दिख रहा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹200, मतलब कमीशन रिसीव कर लिया है 200 एडवांस में। अब इसकी ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे आप लोग देखना। मान लो आप लोगों के पास कमीशन ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस में 800 दिया हुआ है। अब कमीशन अगर एडवांस में ही रिसीव कर लिया है, इस साल का तो नहीं है, इस साल का नहीं है, तो क्या कर दें, इसको हम लेस कर दें, लेस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो वो था 200 आपका, तो आपके पास
कमीशन कितना बचता है देने को, कमीशन कितना रिसीव होता है, सिर्फ 600 ही कमीशन आपको रिसीव होता है, जिस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हो। वैसे ही बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट क्या होगा, तो बैलेंस शीट मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्नड इनकम आपकी क्या कहलाएगी, लायबिलिटी कहलाएगी, तो लायबिलिटी साइड इसको डिनोट किया जाएगा। तो लायबिलिटी साइड में कमीशन देख पा रहे हो, रिसीव्ड इन एडवांस ₹200। तो इस तरह से इसका दोनों साइड इफेक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आप लोगों के पास है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप लोग शायद भलीभांति जानते होंगे। डेप्रिसिएशन होता क्या है, किसी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में होने वाली कमी डेप्रिसिएशन कहलाती है। अब किसी फिक्स्ड असेट्स की में होने वाली कमी, कमी कई कारणों से हो सकती है। वो कारण जैसे समय के साथ साथ, जो इसका बेस्ट एग्जांपल है वो है समय के साथ साथ होने वाली कमी। किसी फिक्स्ड असेट्स में समय के साथ साथ होने वाली कमी को ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो डेप्रिसिएशन किसी फिक्स्ड असेट्स के ऊपर लगती है। तो मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप लोगों को यहाँ पर देख लो कि फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में अगर कमी कर रही है, तो फिक्स्ड असेट्स कम हो रही है, तो फिक्स्ड असेट्स को हमने क्रेडिट कर दिया। तो डेप्रिसिएशन बिजनेस का एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लोग देख पा रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन मेरे पास एडजस्टमेंट में मेरे पास दिया गया है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹700। तो डेप्रिसिएशन दिया गया है फर्नीचर के ऊपर 700। अब फर्नीचर मेरे पास नहीं है, तो मैं ऐसे ही मान लेता हूँ कि फर्नीचर है कितना। तो असेट साइड में फर्नीचर मैंने मान लिया कि फर्नीचर की वैल्यू है 10,000। तो मैंने यहाँ पे 10,000 जो है फर्नीचर की वैल्यू मान ली। अब आप लोग देख पा रहे हो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर की बात कर रहे हैं, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रही है, तो एक्सपेंस हुआ और एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट। तो यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन लगा 700, आप लोग देख पा रहे हो। और बैलेंस शीट में मैंने आप लोगों को बताया कि असेट साइड में इसकी ट्रीटमेंट होगी, तो फर्नीचर के ऊपर अगर डेप्रिसिएशन लगा तो फर्नीचर की वैल्यू कम हुई, अगर कम हुई तो क्या कर दें, लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगा 700, तो आप लोग देख पा रहे हो, तो अब फर्नीचर की वैल्यू मेरे पास बच गई 9,300। तो ये इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। बट जाने से पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।